राठौड़ के धूल भरे तूफान के बीच से गुजरेगा राज्यपाल का काफिला। राठौड़ के मकर जाल में फंसकर राहगीरों के साथ आसपास के रहने वालों का हुआ जीना दुश्वार। कोहार एनटीपीसी से निकलने वाली राठौड़ ट्रकें ओवरलोड कर बिना तिरपाल से ढके शहरों की ओर रहे हैं निकल। खबर नैनी प्रयागराज से। प्रदेश के राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र के रघुवीर भैया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुँच रही है। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर कई स्थानों पर राखड़ के गिरने से आवागमन के दौरान भारी धूल उड़ रहे हैं। इसी तूफान भरी धूल के बीच से राज्यपाल का काफिला गुजरना तय है। मिर्जापुर हाईवे राहगीर के साथ साथ सड़क के किनारे रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यह हाल है प्रयागराज जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना गेट से लेकर ITI कंपनी गेट तक। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे के कई स्थानों पर कोहार एनटीपीसी से निकलने वाली राखड़ ट्रकें ओवरलोड कर बिना तिरपाल से ढके शहरों की ओर निकल रहे हैं, जिनसे राखड़ गिरने के दौरान किसी आंधी तूफान की तरह धूल उड़ रहा है, जिससे राहगीरों के साथ साथ आसपास के रहने वालों लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ इसी तरह का हाल नैनी से लेकर कोसी मिशन और नए यमुना पुल पर भी कायम है। संबंधित विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है कि राखड़ लेकर गुजर रहे वाहनों पर कार्रवाई न होने से उन्हें मनबढ़ कारोबारी का मनोबल बढ़ा हुआ है। नतीजा सामने है। सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र स्थित रघुवीर भैया विश्वविद्यालय में प्रदेश की राज्यपाल भी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं और प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर राखड़ के जाल में पूरा हाईवे धूल भरी आंधी की तरह उड़ रहा है। वारे संबंधित विभाग, तेरी महिमा तू ही जाने। इस मकर जाल में राहगीर भी सड़क दुर्घटना के शिकार तक हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है और वह बंद कार्यालयों में कागजी कोरम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।